आप जीतो या हारो अल्टीमेटली सारी गोटियों को पोछना तो एक ही घर में है ना। अक्षय ने क्यों मांगी थी भीख हीरा पीरी में रोल के लिए जिससे बने कॉमेडी किंग। दोस्तों अक्षय कुमार की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म हीरा पीरी 3 को लेकर एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। फिल्म को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि ये विवाद हीरा पीरी 3 के मेकिंग राइट्स को लेकर हुआ है। एरोस इंटरनेशनल ने फिल्म के खिलाफ एक लीगल नोटिस जारी किया है। दरअसल एरोस इंटरनेशनल ने फिल्म के निर्माताओं को एक लीगल नोटिस भेजा है। आपको बता दें इस लीगल नोटिस में ये दावा किया गया है कि फिल्म के सारे राइट्स एरोस इंटरनेशनल के पास है। आपको बता दें इससे पहले भी हीरा पीरी 3 को लेकर बवाल छिड़ा था। टी सीरीज की ओर से फिल्म को नोटिस जारी किया गया था। एरोस इंटरनेशनल की ओर से जारी नोटिस में ये कहा गया है कि नाडरवाला ग्रुप पर उनका 60 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही लिखा कि नाडरवाला की ओर से भी इस बात की सहमति जताई गई थी कि जब तक ये भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हीरा पीरी के सारे राइट्स इनके पास ही रहेंगे। वही हीरा पीरी में कभी भी सुनील शेट्टी पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, श्याम की भूमिका निभाने वाले सुनील शेट्टी ने फिल्म में राजू और परेश रावल यानी कि बाबू राव गणपत राव आपटे या फिर बाबू भैया के साथ विशेष दोस्ती शेयर की, इसलिए उस भूमिका में किसी और की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि श्याम के ही पहली पसंद एक्टर संजय दत्त थे। जी हाँ, रेगुलरली कोर्ट जाने के कारण संजय को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था। वही हीरा पीरी 3 पर संजय दत्त रवि किशन के दूर के भाई का रोल प्ले कर रहे थे। रवि किशन फिल्म हीरा पीरी में राजू श्याम और बाबू राव के बेवकूफ बनाए गए कई कैरेक्टर में से एक है। रवि किशन और शरद सक्सेना की अजीब ट्रैक को करने के लिए संजय कॉमिक रोल पे फ्रेम में आए हैं। वहीं डायरेक्टर ने स्टारकास्ट को अखबार पर सोने के लिए कहा था। एक बार फिल्म और उसकी पॉपुलैरिटी पर बात करते हुए सुनील शेट्टी ने एक असामान्य बात शेयर की थी। उन्होंने कहा कि स्टारकास्ट को बिना प्रेस किए हुए फटे कपड़े थमा दिए गए थे और डायरेक्टर ने उन्हें अखबारों पर सोने के लिए कहा था। जी हाँ, सुनील शेट्टी ने याद करते हुए कहा कि प्रियदर्शन ने कहा कि वो नहीं चाहते कि आप आराम करें, जब आप उठे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए। वही अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन से हीरा पीरी देने की भीख मांगी थी। जाहिर है इस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय का नाम मजबूत कर दे और उन्हें कॉमेडी एक्टर के रूप में स्थापित करने में ना बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये उनके लिए आसान भी नहीं था। NDTV को दिए एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने प्रियदर्शन से उन्हें साइन करने के लिए विनती की थी। उन्होंने बताया कि वो एक्शन ओरिएंटेड रोल प्ले करने से उग चुके थे और अलग अलग जॉनर्स की फिल्में करना चाहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि हीरा पीरी 3 की कहानी दिवंगत लेखक नीरज वोरा ने लिखी है, जिनका हीरा पीरी की पिछली दो फिल्मों में खास योगदान रहा है। उनकी कहानी को थोड़ा नयापन दिया गया है। हीरा पीरी 3 में नए कैरेक्टर को पेश किया जाएगा जिसमें संजय दत्त भी एक गैंगस्टर के रूप में शामिल है। इस फिल्म को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शूट किया जाएगा। फिल्म फरहाद सामजी डायरेक्टर होगी और जल्द ही प्री प्रोडक्शन स्टेज में जाएगी। फिलहाल दोस्तों इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828858888।